बरसात के दिनों में जल जनित रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है और लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में हर किसी को खाने पीने में एहतियात बरतने की आवश्यकता रहती है। डॉक्टर उमेश भारती ने बताया कि नगर निगम की ओर से जलापूर्ति पूरी जांच परख के बाद की जाती है। उन्होंने लोगों को बावड़ियों और चश्मों आदि प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी उपयोग न करने और पानी को उबाल कर पीने की सलाह दी। भारती ने कहा कि बीते दिनों शिमला शहर और इसके आसपास के 65 प्राकृतिक स्रोतों के नमूने लिए गए थे, जो सभी फेल हुए थे। उन्होंने कहा कि दूषित पानी पीने से पीलिया और डायरिया सहित कई तरह के रोग होते हैं। उन्होंने लोगों से बरसात के दिनों में केवल नगर निगम के पानी को ही पीने की अपील की। जो सप्लाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रही है उसकी रेगुलर रोज जाँच होती है और हम उसकी बैक्टीरियल कंटेंट और उसकी क्लोरीन कंटेंट दोनों की लेबोरेटरी में जाँच करते हैं और कोई भी सैंपल अभी तक फेल नहीं पाया गया। और मैं लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे बॉडियाँ हैं, चाहे वो कुएँ हैं, चाहे कुछ और हैं, उनको वो आजकल बिल्कुल अवॉइड करें और जो हमारा एमसी का पाइप वाटर है, नलके में पानी आता है, वही पिएं। और ज़्यादा शक हो तो उसको उबाल कर, रात को उबाल के रख दें, सुबह ठंडा होने पर उसको पानी को पिएं।